ब्रिटेन में चुनाव की लहर चल रही है और आपको बता दें कि आज सुबह से वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच एग्जिट पोल के मुताबिक विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। अब तक के नतीजों में लेबर पार्टी 405 सीटें जीत चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी अभी तक सिर्फ 111 सीटें ही जीत पाई है। 650 में से 624 सीटों पर नतीजों का ऐलान किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि लिबरल डेमोक्रेट्स ने अभी तक 60 सीटों, स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 7 सीटों और रिफॉर्म यूके ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि ग्रीन पार्टी अभी तक एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई है। इस प्रचंड जीत के बाद कियर स्टार्मर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कर दिखाया, आपने इसी के लिए प्रचार किया था, आपने इसी के लिए लड़ाई लड़ी थी और आपने इसी के लिए वोट किया था और अब इसके नतीजे सभी के सामने हैं। अब से बदलाव की बयार शुरू हो गई है। ईमानदारी से कहूं तो ये बदली हुई लेबर पार्टी है जो देश की सेवा के लिए तैयार है। ऋषि सुनक उत्तर इंग्लैंड की अपनी संसदीय सीट जीत ली है और उनके रिचमंड नॉर्थलॉन में 47.5% वोट मिले हैं। ब्रिटेन चुनाव के नतीजों के दौरान जब ऋषि सुनक ने हार की जिम्मेदारी ली, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार निको ओमिलाना ने हाथ में एल लिखा हुआ एक पर्चा पकड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने प्रेस को दिखाया। ये एल निशान लिबरल पार्टी का दर्शाता है जो सत्तासीन होने जा रही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच अपनी हार स्वीकार कर ली है और उन्होंने इस हार की खुद जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं और कियर स्टार्मर को जीत की बधाई देता हूं। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत के आसार हैं और सूत्रों के मुताबिक वहां लेबर पार्टी 30 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। लेबर पार्टी के स्कॉटिश नेता अनस अनवर ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि हम स्कॉटलैंड में भी बहुमत हासिल करेंगे। ये बदलाव का दौर है। हमारी पहली प्राथमिकता 14 साल के कंजर्वेटिव सरकार के शासन को खत्म करना है, जिससे देश को नुकसान पहुंचा है। सबसे इम्पोर्टेंट काम कल से शुरू होगा। हमारा अगला कदम 2026 में स्कॉटिश संसदीय चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि लेबर पार्टी के नेता कियर स्टार्मर ने कहा कि मतदाताओं ने फैसला सुना दिया है कि वो बदलाव के लिए तैयार हैं। स्टार्मर अपनी सीट पर भी चुनाव जीत गए हैं और पार्टी की जीत के बाद वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतगणना के शुरुआती नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता कियर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना तय नजर आ रहा है। वहीं हार की आशंका के बीच ऋषि सुनक ने ऐलान कर दिया है कि वो कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत का अनुमान जताया गया था और आपको बता दें कि बीबीसी के एक एग्जिट पोल में कियर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के 410 सीटें जीतने का दावा किया गया, जबकि मौजूदा पीएम ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को महज 131 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। तो अब ब्रिटेन को कल सुबह एक नया प्रधानमंत्री के रूप में कियर स्टार्मर मिलेंगे और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद से कल इस्तीफा दे देंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।